मुल्क में जब एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये इतना सीरियस है, कभी है आज नहीं है। एक गाना होता था बड़ा मशहूर हमारे उम्र वालों को, आज फिर जीने की तमन्ना है, कल फिर मरने का इरादा, ये रोज हो रहा होता था, आप तो जानते होंगे। वाह वाह, ये तो मुशाहिदुल्ला जाग उठे, आज फिर जीने की तमन्ना है, कल फिर मरने, ठीक है, नहीं मैं गा नहीं सकती, सॉरी जी जी। तो ये रोज ये मैसेज आवाम को आ रहा है। मेरे मुलाजमों ने कहा बाजी आप क्या कह रही हैं। दो तीन बातें कहूंगी, इख्तिसार से कहूंगी क्योंकि बहुत लोगों ने बातें भी करनी हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में ये पहला ऐसा मौका है कि हम इस तरह की मोहलिक वबा का सामना कर रहे हैं, और वफाक को कह दिया गया है, यानी कि सूबों को, इकाइयों को कह दिया गया है कि आप अपना अपना काम करें। मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कल नेशनल असेंबली की तकारीर में कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके बरक्स बात की। उन्होंने कहा कि द रिस्पॉन्स टू COVID-19, बिल्कुल सही कहा, शुड बी नेशनल एंड नॉट डिविजनल। द कंट्री विल नॉट बी सेफ अंटिल सिंध इज सेफ एंड पंजाब, KP, बलोचिस्तान। If this is indeed the case, then what is this unwarranted hate campaign which the leader of opposition has just mentioned, Chairman Sahab, that is launched every day, every single day without fail by 3 o'clock or earlier by junior members of the PTI, sometimes from Punjab, sometimes from here, sometimes from Sindh. Ye front row nahi karti hai. लेकिन रोज अखलाकियात का जनाजा निकाला जाता है। PTI के दो तीन लोगों की ड्यूटी लगाई गई, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता, ना नॉर एम आई प्लानिंग टू फाइंड आउट, दोज आर नॉट द पॉलिटिक्स वी आर ट्रेंड इन एंड वी आर नॉट अबाउट टू बिकम दैट आइदर। तो वो जो बातें कर रहे हैं उससे तो ये लगता है कि हम अकेले हैं, और वफाक ने, क्योंकि हमने 18वीं तरमीम जैसा नाउज़ुबिल्ला जुर्म किया है, ऑटोनॉमी दे दी है सूबों को। एक मिनट सेनेटर साहब, और अगजई साहब, गैलरी भी हमारे आल के ही हिस्सा है, वहां भी तशरीफ रख सकते हैं, वहां बैठ जाएं। जी, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट इजी, नॉट इजी, शुक्रिया, आप कोशिश तो कर सकते हैं। जी जी जी, आपने अरेंजमेंट, पीछे भी सीट्स हैं, यहां बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, जिधर आप इजी फील करें बैठ जाएं। जी तो जी, ये जो आपने 18वीं तरमीम की बात की है, ये हमने छेड़ी नहीं है, ये पूरे इस डिस्कशन में, इस पूरे माहौल में, जहां सिर्फ और सिर्फ हमें कोरोना और उसके रिस्पॉन्सेस पर फोकस करना चाहिए, जाहिर है कश्मीर इसमें आता है क्योंकि वहां भी एक मसला बना हुआ है, लेकिन यहाँ इमर्जिंग क्राइसिस, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, ये सारी बातें हम तब कर सकते हैं। अवाम को एक यूनाइटेड मैसेज, एक वहदत का पैगाम कैसे देंगे हम, यकजहती का पैगाम कैसे देंगे, अगर आपके यहाँ से, आपकी हुकूमत से, आला सतह से, कभी सूबाई सतह से, ये रोज़ यलगार और तूफान बदतमीजी शुरू किया जाता है। हमने तो अपने लोगों से कहा है कि आप इसी जबान में जवाब ना दें और ना माहौल को, सियासी माहौल को आलूदा करें, क्योंकि लोगों को मैसेज क्या मिल रहा है। चेयरमैन साहब, बातें बहुत करने की है लेकिन अफसोस से हम इस पे फंस गए हैं, क्योंकि मैसेज क्या है, मैसेज ये है, आज आप बाहर देखें लॉकडाउन का कि सब मतलब खुल गया है, सब कुछ खुल गया है, कोई SOPs नहीं है, और मैं सारे मुल्क की बात कर रही हूँ, लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, ज़रूरियात की नहीं बात हो रही, सिर्फ हर चीज़ खुल गई है। वो क्यों खुल गई है, ये तो एक ह्यूमन नेचर भी है कि आप खुले हैं, आप गए हैं, रमज़ान का भी महीना है, लेकिन वो इसलिए खुल गई है, इसलिए SOPs कोई नहीं कबूल कर रहा, क्योंकि आपको मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस से बहुत ही मिक्स्ड मैसेज और कंफ्यूज मैसेज मिल रहा है। आपको एक दिन कहा जाता है हाँ हाँ लॉकडाउन जरूरी है, अगले दिन कहा जाता है शायद ये नहीं करना चाहिए, और सिंध ने जल्दी क्यों की, तीसरे दिन कहा जाता है बिल्कुल इसके बगैर काम नहीं होगा, पर शाहजेब खानजादा जियो के एक एंकर ने तो पूरी क्लिप बनाई हुई है, फिर चौथी दफा कहा जाता है कि ये तो अशराफिया के फैसले हैं। अब आप क्या अवाम को मैसेज दे रहे हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं,
तरावियां लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पा रही, टेस्टिंग नहीं हो पा रही, आपके नंबर्स कतन वो नहीं है जो हकीकी जिमने से हैं। हकीकत में आपके नंबर्स बहुत और हैं, लेकिन ये सारे सूबों में मसला पड़ा है, क्योंकि ये सिर्फ वसाइल की तकसीम की बात नहीं हो रही है चेयरमैन साहब, ये मुल्क में जब एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये इतना सीरियस है, कभी है, आज है, आज नहीं है। एक गाना होता था बड़ा मशहूर हमारे उम्र वालों को, आज फिर जीने की तमन्ना है, कल फिर मरने का इरादा, ये रोज हो रहा होता था, आप तो जानते होंगे। वाह वाह, ये तो मुशाहिदुल्ला जाग उठे, आज फिर जीने की तमन्ना है, कल फिर मरने, ठीक है, नहीं मैं गा नहीं सकती, सॉरी जी जी। तो ये रोज ये मैसेज आवाम को आ रहा है। मेरे मुलाजमों ने कहा, बाजी आप क्या कह रही हैं, अंदर आए, ये वॉश करें, वो करें, अब हम आपने नल लगा दिए सबके वो, लेकिन हमें तो प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कभी फ्लू है, कभी बहुत मोहलिक है, फिर कहते हैं ये तो एलीट इशू है, दैट्स व्हाट ही सेड। अब एलीट तो फिर भी मास्क खरीद लेगी, आप हमें मुहैया कर देंगे, हम ये हैंड वॉश ले लेंगे, पानी हमारे घरों में अभी तक तो चल रहा है, टैंकर मंगा लेंगे। जो जिनकी बात, जिस तबके की बात कर रहे हैं, वो क्या करेंगे बेचारे, जब उनके लिए बिस्तरें, और हो रहा है, अभी हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी है, और हम सब, हमने कभी ऐसा वक्त नहीं देखा है, जंग से बदतर है। जंगों में लोग राशन कार्ड के लिए सेंटर पहुंच जाते थे, फ्लड होता है तो हम सेंटर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है। इस वक्त आपके पास मुल्क में 5 to 6 बेड्स पर 1000 है, ऐसा कुछ है, और आपके जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हो, कोई भी हो, वो कह रहे हैं जनाब कि आप लोग प्लीज़ नविश्ता दीवार देखें, प्लीज़ हमारी बात सुन लें, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा हमारी बात सुन लें, हम हमारे पास नहीं रहेंगे। 6 हॉस्पिटल बेड्स पर 10,000 पीपल इस पाकिस्तान एवरेज, हमारे पास बेड्स नहीं रहेंगे, हमारे पास ICU यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे, वेंटिलेटर्स बाद की बात है, तो आप बताएं, मुझे तो बहुत लिस्ट दी हुई है क्या क्या ख़त्म हो जाएगा, तो आप बताएं इन सूरत हाल में। एक चीज़ मैं पूछने वाली थी, यहाँ एक लापता, यू नो, मिसिंग पर्सन्स की हम बात नहीं आज करने वाले थे, लेकिन मुझे करनी है, वो मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ही इज़ मिसिंग, हिज पॉलिसी इज़ मिसिंग, एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। ये बहुत अहम बात है। आज हम बहुत सारे सेनेटर्स आए हैं, जहाज चला था क्वेटा, उठा उठते उठते यहां पहुंचा, 4-5 घंटे PPE पहने हुए थे, एयर होस्टेसेस कहने लगी मैडम हमें फिर भी लग रहा है, फिर भी हमारे स्पेशल फ्लाइट जो चला रहे हैं उनको लग रहा है, ये पहन के लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं, और वहां कोई लोग बैठे थे बगैर मास्क के, तो मैंने कहा नहीं ठीक है मास्क इस, क्योंकि मैं भी पहन रही हूँ, क्योंकि यहाँ एयर कंडीशनिंग का मसला है। तो अब ये सूरत हाल जब बन रही है, तो आपके प्राइम मिनिस्टर कहाँ हैं? व्हाई इज ही मिसिंग? हु इज रनिंग द कंट्री? क्योंकि उन्होंने बार बार कहा है कि ये तो मेरा इशू नहीं है। कभी किसी मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, वो ये कमेटी चला रहा है, वो कमेटी चला रहा है, आईनी फोरम्स हैं जनाब, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों नहीं मिली अभी तक? क्यों डर रहे हैं आप आईनी फोरम से? क्यों डर रहे हैं आप पार्लियामेंट से? क्या कोरोना से तो वो नहीं डरे हुए, आई एम श्योर, लेकिन वो किस बात से डर रहे हैं? हम जातियात पर नहीं आना चाहते, पीपल्स पार्टी तो खास तौर से पहले दिन से कह रही है हम तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे किसी को, खास तौर से प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। दोपहर में फिर कोई नंबर दो लाइन शुरू हो जाती है, सिंध ने ये किया, पीपल्स पार्टी ने ये किया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो किया, बगैर देखे कि सारी दुनिया इस वक्त सिंध के परफॉर्मेंस को सराह रही है। शाह महमूद को कोई प्रॉब्लम नहीं था सिंध के परफॉर्मेंस को सराहने में, और लेकिन ये हमें ये अजीब डिसयूनिटी तो बिल्कुल टॉप से निकल रही है। WHO ने कहा, जिस सेमिनार में उन्होंने IPU का सेमिनार किया, मैं भी ज्वाइंट, 240 लोग उसमें थे, MNAs दुनिया से मेंबर्स, उन्होंने कहा द फर्स्ट थिंग
WHO and they all said, one thing is national unity. You people must have a single message and a single policy. European Union is trying to have a single policy. They said, we are small states that border each other. यहाँ अकाइयाँ हैं, कह रही हैं हम मदद दे रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी, रुबीना को पता है कहाँ कहाँ केपी में हमने पीपी सूट्स भेजे, और हमारा और ये कहने की बात नहीं है, हम भेजेंगे हम, और मुझे पक्का यकीन है आप लोग भी हमें भेजेंगे, लेकिन इस वक्त हमें सुनने में ये नहीं आ रहा है. यू पास द 18th अमेंडमेंट, यू आर ऑन योर ओन इज व्हाट वी गेट टू हियर, एंड द 18th अमेंडमेंट शुड हैव नथिंग टू डू विद इट. This has nothing to do with the 18th amendment. आपने उस पर बात करनी है, आप करें जब हम सब कंसेंसस वाले मिलकर बैठते हैं. हम कोई फिरौन नहीं है कि बात नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त कोई डिस्कशन नहीं हो सकता सिवाय कोरोना के. आप ये डिस्ट्रैक्शंस क्यों पैदा कर रहे हैं ताकि टॉक शोज में ये हो और हुकूमत की परफॉर्मेंस ना हो. और इसमें मेरा तेरा नहीं होना चाहिए चेयरमैन साहब के वफाक ने ये किया, वफाक से आज गलती हो गई कल हमसे हो सकती है. ये बड़े संगीन हालात हैं, और कल से हमारे पास भी सब कुछ ऐसा हो, ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि इटली वाले हालात क्यों आप सुना रहे हैं हमें, अमेरिका में ऐसा हुआ, उनसे नहीं कोप हो रहा, ब्रिटानिया में. दे मेड मिस्टेक्स, वी डू नॉट नीड टू मेक दोज मिस्टेक्स, वी कैन लर्न. दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, व्हाई शुड वी एक्सपेरिमेंट ऑन आवर पीपल्स लाइव्स. फिर एक अजीब मखमसे में डाला हुआ है कि जिंदगियां बचानी है या रोजगार बचाना है, लाइव्स वर्सेस लाइवलीहुड्स, देयर इज नो चॉइस, लाइफ कम्स फर्स्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप पहले लोगों की जानें बचाएंगे और वो फिर आप कह सकते हैं कि जी लॉकडाउन से नहीं जानें बचती, वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे आप बताएं कि आपकी पॉलिसी है क्या. लाइक द मिसिंग पर्सन, there is a missing policy. We still don't know what the policy of this country is. Aaj smart lockdown hota hai, aaj soft lockdown hota hai, aaj crazy lockdown, aaj to crazy lockdown hai, bilkul crazy hai. Bahar dekhen, har jagah dekhen, because log keh rahe hain ki hame koi message nahi mil raha, aur hame itla hai ki ye herd immunity ki taraf ja rahe hain. Herd immunity is when chale aapka 50% bhi log infect ho gaye, 50% लोग आपके इन्फेक्ट हो गए, जो हो सकता है एयर मुमकिन है, उसका 1% भी अमवात हुई तो 10 लाख लोग है. फिलहाल अमवात 2% पर है. इज दैट एक्सेप्टेबल टू अस? दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. 10 लाख पाकिस्तानी जाने, उनका ज्या, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. मगर हो ज्यादा सकती हैं, क्योंकि आपने कोई पॉलिसी नहीं दी, आपने कोई सोच इस पर मरतब नहीं की. आप कहते हैं कि सुबह हमारे साथ बैठते हैं फिर सब कुछ ठीक होता है. भाई वो आपके साथ अग्री करते हैं, वो कोशिश में है कि हम साथ चलें. बुरा लगता है लोगों को कहना कि हम एक साथ नहीं है इस वक्त. कोई किसी कोई अच्छा नहीं समझता, कहेंगे कि ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट इज बिकरिंग, कोई अच्छा नहीं लगता. ये आज हमें ये डिस्कशन करना चाहिए था कि हम हेल्थ बजट कितना बढ़ा सकते हैं. 1% हो गई है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, 1% ऑफ जीडीपी हो गया है. पहले 0.4950 होता था, 59 तक गया, उसके बाद 907 अस्पताल बने मुल्क में फ्रॉम 56. तो ये 18वीं तरमीम की अचीवमेंट्स हैं, जो भी हैं. सूबे रियासत नहीं हैं, सूबे खुद मुख्तार हैं, वो रियासत नहीं हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. So no, nobody's on their own. You are not on your own. We are not on your own. And our people are not on their own. Please give them that message. Please give that message. Koi akela nahi hai, aur na hum aapko herd immunity ke liye chhodenge. Jisne kiya UK mein hua, unka hal dekhen. Unki amwat asman ko chadh rahi hai. United States mein dekhen. Asian mumalik se seekhen, jahan unhone वुहान में फिर आ गया है, बट दे हैव ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत कुछ किया है. ताइवान में, इवन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो क्या कर रहे हैं? एशियन ममालिक बहुत कुछ कर रहे हैं. सिंगापुर में भी काफी सक्सेस हुई थी. सो वी डोंट नीड टू साइट
the decaying economies of the West with their failing market capitalism, because that has failed us. Capitalism has seriously failed us. There is no money, and we are saying, आखिरी पॉइंट चेयरमैन साहब, क्या बजट आ रहा है आपका? हमारी तरजीहात शिफ्ट होनी चाहिए. हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा? हमारी तरजीहात बिल्कुल बदलनी चाहिए. मुझे मेरी इत्तला में दूसरे दोस्त और दुश्मन ममालिक सबकी बदल रही हैं, सबकी बदल रही हैं, सबकी बजट चेंज हो रही है टू रिफ्लेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी. और उसमें आप क्या डिस्कशन? अभी IMF, आज खबर आई है कि IMF से तय हो गया है क्या होना है. वो IMF से जो तय हो गया है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री बिल्कुल कुछ और उससे बरक्स कह रही है. जो आपने मुंतकिल किया है 1.2 ट्रिलियन नीचे जमीन पे अवाम को तख्ती लगा के ये नया, उसमें भी आपने 60% सिर्फ दिया है बेनजीर इनकम सपोर्ट / एहसास. तख्तियां लगाते रहते हैं, तख्ती बदल दी और हमारा अचीवमेंट हो गया. असल उसमें आपने 1.2 में भी 60% दिया है, बाकी किधर गया है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इधर उधर. भाई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कम्स लेटर, क्रोनी कैपिटल कम्स लेटर, बिग बिजनेस कम्स लेटर. नो, दे कैन रन देयर ओन व्हील्स, दे कैन सपोर्ट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. ये बिल्कुल 10-10 लोग लाख अगर हमारे यहाँ बात हो गई और हमारे इस वक्त फ्रंट लाइन जो तिब्बी अमले हैं उनका हाल देखें. उनका इस वक्त आपने 11 अमवात उनकी हो चुकी हैं, उन सबको सुर्ख सलाम. 11 अमवात हो चुकी हैं, 440 डॉक्टर्स और 215 पैरामेडिक्स, 111 नर्सेस इन्फेक्टेड. अभी तो खैबर पख्तूनख्वा के नंबर्स नहीं आए, वहां तो गदर मचा हुआ है और कोई पुरसाने हाल नहीं है. तो कल जो चेयरमैन बिलावल कह रहे थे, सिंध की सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, जो मैंने सुना है सूबों से, दे आर फीलिंग लाइक दे ऑन देयर ओन. वो बलूचिस्तान आगे करता है लॉकडाउन, पंजाब थोड़ा करता है, सिंध कुछ और कर रहा है. आप बैठ के लोगों के साथ पॉलिसी बनाएं. आप तो ना मीटिंग में बैठ सकते हैं ना किसी की सुन सकते हैं. हम सारे आए पार्लियामेंट्री मीटिंग में ऑनलाइन, बल्कि बिलावल हाउस वाज वेब होस्टिंग दैट मीटिंग. उस वक्त नेशनल असेंबली के पास इक्विपमेंट नहीं था और हमने कहा ऑफ कोर्स वी विल डू इट. प्राइम मिनिस्टर आए, सब बहुत खुश के चलिए प्राइम मिनिस्टर अब इस पर नेशनल एक्शन प्लान बनाएंगे, ये दहशतगर्दी से बदतर वबा है हमारे लिए. नहीं, कुछ सुना के वो चले गए. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फॉर्जिंग यूनिटी फॉर योर पीपल चेयरमैन साहब? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? कौन सा काम आज भी उनको बिजी रखे हुए कि सेशन हो रहा है अपर हाउस का, चारों सूबों की यहां नुमाइंदगी है और वो कहीं और बिजी हैं, कहीं और बिजी हैं और वो ये मैसेज दे रहे हैं उस हाउस को भी और इस हाउस को भी कि पार्लियामेंट इज इररिलेवेंट. एंड आई डोंट वांट टू से दिस, आई वुड वेरी मच लाइक टू सी हिम रिस्पेक्टेड स्टैंडिंग हियर डे आफ्टर टुमारो इन द सेशन एंड टेलिंग अस हिज प्लान. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. सेनेटर शिबली फराज साहब जी, जी आप या शाह साहब जी बताएं. बाजी मैं तो चाहूँगा कि मैं भी बात करूँ, शाह साहब भी आए हुए हैं, वो कुछ देर के लिए बात कर लें, उसके बाद मैं चाहूँगा कि जी शाह साहब जी.